हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनएस के ज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी नोट 11 प्रो स्मार्टफोन के एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में, जो कि रेडमी नोट 10 प्रो का सक्सेसर होगा, जिसमें आपको रियल 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, जो कि रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर नहीं मिली थी, जिससे कुछ लोगों को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। तो दोस्तों, आज हम फाइनली बात करेंगे इसी स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में कि इसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे और कब तक और किस प्राइस पर ये फ़ोन इंडिया के अंदर लॉन्च होगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी टेक वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, जिसके साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन आएगी और ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी, जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा और इसके साथ आपको सेंटर में पंच होल डिज़ाइन भी देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमराज के बारे में। तो इसके रियर साइड में क्वाड कैमरे का सेटअप रहेगा, जिसका मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस होगा। वहीं पर अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरे के बारे में, तो इसके फ्रंट में आपको सेंटर में एक पंच होल सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिसका सेंसर 32 मेगापिक्सल का होगा। एंड अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का ओक्टा कोर 5G प्रोसेसर मिलेगा, जो कि डुअल 5G की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। और अगर बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन 6G+128GB, 8G+128GB, 8G+256GB रैम वेरिएंट के साथ में लॉन्च होगा। और इसी के साथ आपको LPDDR4X रैम विद UFS 3.0 स्टोरेज का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इसकी बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर आपको 5520mAh की बैटरी मिलेगी, जिसके साथ आपको 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक। और अगर बात करें इसके सेंसर्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलेगा और इसके साथ बाकी सभी सेंसर भर भर के मिलेंगे। और अब फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर इसके बेस वेरिएंट की प्राइस होगी 22,000 से 25,000 रुपये के बीच में। और दोस्तों, इसकी प्राइस अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।